सरकारें और मिनिस्ट्रीज़ जो करती रहें करती रहें। लेकिन हम युवाओं को क्या कह सकते हैं क्योंकि हमारी एक्सेस युवाओं तक है तो युवाओं को हम क्या कह सकते हैं युवाओं को हम क्या संदेश दे सकते हैं किस प्रकार से उस देश को टूटने से बचा सकते है? तो आ, रिसर्च में हम युवाओं को क्या क्या दे सकते हैं इस बुक के माध्यम से तो इस बुक के माध्यम से हम उनको कह सकते हैं कम से कम इससे 50 पीएचडी डिसर्टेशन निकल सकती है इसमें इतना कुछ है इसमें 1600 सो रेफरेंसेस हैं हां और 100 पेज की बिब्लियोग्राफी इतना कुछ है और नमस्ते दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सौभाग्य का दिन है क्योंकि आज मेरा एक सपना पूरा हो रहा है आप सभी जानते हैं कि 2012 13 में मैंने गुरुकुल में प्रवेश ले लिया था अपनी नौकरी छोड़ करके अपनी पूरी पढ़ाई को एक तरफ करके वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए और मैंने अपने कई वीडियोस में इस बात को बताया कि जिस प्रकार से मेरे प्रेरणा स्रोत भाई राजीव दीक्षित जी रहे हैं उसी प्रकार से राजीव नाम मेरे जीवन से जुड़ा और राजीव मल्होत्रा जी हमारे जीवन में आए हमारे गुरुकुल में आए और सच्चे इतिहास के दर्शन उन्होंने हमको वहां पर कराए उम्र उस समय पर काफी कम थी जोश बहुत ज्यादा था और इतिहास को खंगालने की जो उमंग थी जो अंदर से एक जिज्ञासा थी वो बहुत ज्यादा थी इन्होंने हमारे गुरुकुल में आकर के हम सभी को वो सभी परिपेक्ष्य बताए वो सभी परिपाटियां बताई जो भारतीय या कहिए कि जो हमारी वैदिक संस्कृति से सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई थी जिन पर हमें गौरव हो सकता था वो एक ऐसा काल था एक ऐसा समय था जिस समय पर हिंदुओं के लिए लोग हेय दृष्टि से उनको देखा करते थे मंदिर के विषय में बहुत हेय बातें हुआ करती थी भारतीय परंपराओं के विषय में देवी देवताओं के विषय में कोई भी कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर जाता था लेकिन कोई भी कोर्ट, कोई भी भी कोर्ट पुलिस उन पर कुछ भी नहीं बोलती थी वो समय था जिस समय पर हमें इन सब चीजों को डिबंक ही नहीं करना था बल्कि इब्राहिमिक रिलीजन यानी कि पूर्व पक्ष के ऊपर हमें स्टडी करना भी था लेकिन हिंदू उस समय पर न जाने क्यों हमारा सनातन समाज न जाने क्यों कूप मंडूक बना बैठा रहा शतुरम की तरह रेत में अपनी गर्दन धसा करके बैठा रहा एक ऐसे समय पर यहां भारतीय भूमि से हजारों मील दूर बिजनेस में स्टैब्लिश एक ऐसे व्यक्ति जो कि चाहते तो शायद के अपने अभ्युदय के साथ में जीवन को व्यतीत कर सकते थे आराम से जीवन को बिता सकते थे लेकिन उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को 101 परसेंट जितना भी उनके पास था सब कुछ डोनेट कर दिया इस भारत भूमि पर वो वापस आए इसका खोया हुआ वैभव दोबारा से लौटाने का प्रयास किया इस धरा में जितने भी सांप बिच्छू और अजगर फैले हुए थे जो लगातार सनातन समाज को निगलने का कार्य कर रहे थे उन पर उन्होंने कुठाराघात किया आज सत्य सनातन चैनल का यह सौभाग्य है और यह पवित्र दिन है कि हमारे गुरु और हमारे मेंटोर जिनके लिए हमने सड़कों पर कार्य किया और हमें बहुत अच्छा लगता था हमने जिनकी पुस्तकों का प्रचार किया हमने जिनकी आइडियोलॉजी को लेकर के युवाओं के बीच में गए उनका आज पदार्पण है उनका आज स्वागत है सबसे पहले तो गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन यूट्यूब चैनल पर और यह मेरे एक सपने के सत्य होने के समान है नमस्ते जी मुझे भी बहुत खुशी हुई आपने मुझे याद दिलाया कि आज से आठ नौ साल पहले जी, हमको बाबा रामजी ने बुलाया था हरिद्वार के पास है ना हाँ, हाँ, हम आए पतंजलि पतंजलि तो वहाँ आए थे ठहरे थे बहुत मजा आया जी, हमको रामदेव जी ने बहुत प्यार दिया बहुत अच्छा और कितने सारे हजारों लोग बैठे हुए थे बिल्कुल बिल्कुल वहां पर उन्होंने हमारे से काफी कुछ सीखा काफी कुछ मतलब पूछा बहुत इंक्वायरी क्वेश्चन आंसर आ, कर करके कर, स्वामी जी ने काफी बहुत 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 है अच्छा लगा और उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट दी तो उन्होंने फिर हमको एनकरेज किया कि इस पुस्तक क्या हिंदी में भी निकलना चाहिए हाँ ब्रेकिंग इंडिया जो पहली बुक जो आई उसका हिंदी में भी निकाला जी जी इसीलिए और जब इंग्लिश मुझे नहीं आती थी बहुत अच्छी तो ब्रेकिंग इंडिया जब बुक आई मैंने इंग्लिश स्पेशली उसके लिए सीखी हाँ और फिर हमने वो पढ़नी शुरू की क्या बात बहुत लोगों की डिमांड आई कि हिंदी में कब आ रही है और जब हिंदी में आई तो उसका भी हमने काफी प्रचार और प्रसार किया और काफी हमारे दर्शक गण हैं हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जो आपको बहुत दिनों से सुनना चाहते थे बहुत दिनों से जानना चाहते थे और कुछ चीजें ऐसी थी कि लग रहा था कि पुस्तक में बहुत कुछ है लेकिन इसका फेज टू आना चाहिए पार्ट टू आना चाहिए और सौभाग्य है कि अब जो हमारे सामने पुस्तक है उसको आपने नाम भी दिया है ब्रेकिंग इंडिया टू पॉइंट आज हम इसी विषय में आपसे बात करना चाहेंगे भारत के अंदर लगातार ये जो आक्रमण है वो तो खैर बढ़ रहे हैं लेकिन एक चीज हमने नोटिस की है 2013-14 के बाद में कि सनातन समाज ने जागरूक होना शुरू कर दिया है अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और युवा जो आपको अपना आदर्श मानते हैं उनके कुछ सवाल भी हैं और मैंने जो बुक को स्टडी किया है उसमें बहुत सारी चीजें आती भी हैं लेकिन अगर हम उन्हीं को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से युवाओं के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि पुस्तक की जो पृष्ठभूमि है वो भी उनके सामने जाएगी और जो आपका कार्य है वो भी सामने जाएगा मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि समाज कोई भी समाज जो होता है उसको समाप्त करने का तरीका है कि उसकी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया जाए उसके खोए हुए जो वैभव है उसको रसातल में पहुंचा दिया जाए आपने जो इस पर कार्य करना शुरू किया था वो इनिशियली आपके माइंड में क्या चीज आई थी मतलब मैं वही चीज दोहराऊंगा कि हो सकता था कि आप अपने बिजनेस में थे भारत की इस उठापटक और गंदी राजनीति से काफी दूर थे आपने उस जीवन को छोड़ करके यहां पर आना उतरना आ, क्यों ऐसा मन में आया और क्यों जरूरी समझा ये तो बहुत पर्सनल बात है ये बात ऐसी है कि जब तक आपने स्पिरिच आपके अंदर स्पिरिचुअल जागृति ना आए जी। तो ये ऐसा काम आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि कई लोग हैं जिन जो कहते हैं कि हम दान पुण्य करेंगे पर अपना बिजनेस भी चलाते जाएंगे या हम पॉपुलर बनने के लिए कुछ ऐसी बातें भी सेम करेंगे लेकिन अपना बिजनेस बेटो बेटियों को दे देंगे वो चलाते जाएंगे खानदान में रहेगा हमारे कोई बेटी बेटियों को बिजनेस नहीं है वो नौकरी करते हैं सिर्फ अच्छा। अम, अमेरिका हमारे कोई हमारे हमने जब बिजनेस दिया इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फैमिली में रखा किसी और को दे दिया बिल्कुल हमारी फैमिली में किसी के पास कोई बिजनेस जो हमने हमारा था नहीं है वो सब हमने छोड़ के बंद करके दे दिया लोगों को और दिया भी एक एक, एक, एक डॉलर में ये नहीं कि उसके साथ पैसा निकाल पैस, काफी पैसा निकाल सकते थे क्योंकि ये अपना यज्ञ होता है कि हमने काफी कमाया हमारी लाइफ बहुत ठीक हो गई है और अब बाकियों को दे दो जिन्होंने हमारे साथ मेहनत करके काम किया अब उनका होना चाहिए और हमारा काम कुछ और है हमारा काम यह है कि हम समाज को कैसे वापस दे सकें यज्ञ का मतलब होता है समाज को सोसाइटी को सारे कॉस्ट्यूम को आहूत दे आहूत करो जी। अब पहले हम अमेरिका बैठ के हमने कहा कि हम अपनी भारतीय ज्ञान वेदांत उनको सिखाएंगे ताकि उनका फायदा हो तो हमने इसलिए काफी जगह यूनिवर्सिटीज में जाके काफी ग्रांट दिए हार्वर्ड में दिए प्रिंसटन में दिए कई जगह जाके काफी हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने दिए कि ये हम बात आपको सिखाना चाहते हैं क्योंकि इससे आपका फायदा होगा जी। पहले हमने ऐसे शुरू किया जी। फिर उससे हमें ये मालूम हुआ कि वो लोग बदल नहीं रहे वो हमारा खा खा पी पैसा लेकर वैसे ही जैसे मगरमच्छ को आप तो फीड कराते रहते हैं फीड कराओ हाँ। तो वो आपका हाथ खाने को लगेगा हाँ। कि वो कुत्ते की तरह बड़ा प्यारा बन जाएगा हाँ। ऐसी बात ही है जो जो मगरमच्छ की नेचर है वो अलग ही है बहुत वो चेंज नहीं कर सकते तो हमने हमको ये लगा कि ये लोग मगरमच्छ हैं ये लोग सांप हैं ये कैसे कैसे लोग हैं तो फिर हमने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये आदमी हमको पैसे देता है हमारी फोटो वोटो आती है बड़े उनके न्यूज़पेपर में अखबार में हम उसके बारे में लिखते हैं कि कितना अच्छा फिलेंथ्रोपिस्ट है हार्वर्ड वाले लोग हमारे को प्रेसिडेंट आते हैं हमको बताने के लिए कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन वो हमको क्रिटिसाइज करी जा रहे हैं तो मैंने कहा कि क्रिटिसाइज बंद नहीं होगा नहीं। क्योंकि इसीलिए तो हमने ये काम शुरू किया तो हमने ये काम नहीं शुरू नहीं किया इसलिए कि हम बड़े मशहूर हो जाए कि हम बहुत ग्रेट हैं क्या हैं हमको उसका शौक ही नहीं है हमको आपसे कुछ लेना नहीं है सिर्फ आप ये ज्ञान आपको पहुँचाना है सोसाइटी में और यदि आप नहीं पहुँचा पहुंचा पाए यदि आपको कुछ रुकावट है कुछ अपोजिशन है तो इसीलिए हमने वो एक वर्ड हिंदू फोबिया निकाला आ, बिल्कुल उससे पहले सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक फोबिया चलता इसीलिए निकाला क्योंकि एक हमारे मित्र थे जो पाकिस्तान के हाई हाई कमिश्नर लंदन में थे अच्छा वो जब रिटायर हुए तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आके वो विजिटिंग प्रोफेसर बन गए अच्छा तो उनसे हमारी बातचीत हुई जी तो उन्होंने हमको मिलकर काफी काफी हमने मित्र बने हमें तो हम भी प्रिंसटन में रहते हैं तो उन्होंने कहा एक दिन कि हमारे यहां बहुत बड़ी एक एक पुस्तक को अवार्ड मिल रहा है इस्लामोफोबिया के बारे में उसने लिखा है तो इसलिए हम उसको अवार्ड देते हैं अच्छा। तो मैंने कहा कि इस्लामोफोबी क्या है तो उन्होंने हमको समझाया तो हमने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है तो हिंदू फोबिया वो हो होता है हाँ। जो आपके अगेंस्ट लोग बोलते हैं हमारे अगेंस्ट भी बोलते हैं तो उसने कहा कि जो टर्म है इस्लामोफोबिया उसका बड़ा फायदा है क्योंकि फिर हम हर साल उसको अवार्ड देते हैं कि किसने इस्लामोफोबिया के बारे में लिखा एक अकेडेमिक चेयर बनाते हैं कोर्स बनाते हैं इस्लामो के ऊपर तो मैंने कहा ये तो हम भी बना सकते हैं तो फिर हमने हिंदू फोबिया की बात शुरू की जी। तो हिंदू फोबिया की जब हमने बात शुरू की जी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता जी जी। पर कई इंडिया के टॉप लोग जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो हैं कुछ संघ परिवार के भी जुड़े हुए टॉप लोग उन्होंने ये लिखा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए हिंदू फोबिया कहेंगे तो हमको शर्म आती है मां हमको शर्म आती है हमको ये कहना चाहिए कि हम बहुत ग्रेट हैं हम तो पांच साल से दस साल से बहुत ग्रेट है कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने हमारे मंदिर है क्या कुछ होता है तो मैंने कहा नहीं नहीं ये जो हिंदू फोबिया है ये हिंदू फोबिया रियल चीज है इसके बारे में आप नहीं कहेंगे बताएंगे तो लोगों में जागृति नहीं आएगी बिल्कुल तो यदि आप कहेंगे ये जो लोग है हिंदू फोबिक हैं एक वर्ड होना चाहिए से। और वर्ड इस्लामो से जान के ही हमने जुड़ कर बनना है क्योंकि इस्लामो फोबिया जब आप सर्च करते थे गूगल में तो उसको मैं आकर कई लाखों मिलियन हिट्स आती थी हिंदू फोबिया की जीरो जीरो तो इसलिए इस तरह से हमने ये शुरू किया अच्छा है भी कुछ भारत में ऐसी प्रॉब्लम के मतलब ईरान चला गया अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के बहुत सारे ऐसे जो इब्राहिमिक रिलीजेंस ने दबा लिए हैं उनके लिए एक्ट बना दिए हैं और मंदिर हमारे नॉर्थ में कोई पुराना नहीं है साउथ में आपको मिलेंगे लेकिन बस हम पांच हजार का वैभव गाते रहे हैं और जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको बिल्कुल भी ना बोले अच्छा आपको नहीं लगता है कि उसके पीछे ये एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स यस कॉम्प्लेक्स है मतलब हम हम अंदर से समझते हैं कि हम हैं कि घटिया लोग और हम समझते हैं हम कमजोर हैं हाँ। हमको शर्म भी आती है कुछ तो शर्म इसलिए आती है क्योंकि हम अज्ञानी हैं अग्यानी हमको, है। हमको हिस्ट्री के बारे में पूरा पता ही पता नहीं है। नहीं। हमको अपनी भी नहीं आती हमको ये भी नहीं पता है। ये जो मूर्ति है इसका मतलब क्या है तो हम क्योंकि जानते नहीं अपना जो रिचुअल है उसका फायदा क्या है मंत्र है उसका मतलब क्या है इसलिए हम शर्म जाते हाँ। रीजन है, है, तो हम हम उसका ये भी है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली प्र, 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 रही है पद्धतियां रही है समाप्त करने के लिए ये भी तो है ना कि हमारे लिटरेचर को चेंज कर दो हमारी जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक है उनको चेंज कर दो बच्चों को ही उस प्रकार से प्रशिक्षित करो कि उनको अपने ऊपर ही एक गिल्टी फील हो कि यार हमने कहा जन्म लिया ले हाँ ले है तो अभी दूसरी जो चीज है कि मैंने जब आपकी जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी उसमें आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि ये आर्य द्रविड़ क्या है किस प्रकार से दलित जो थ्योरम चलाई गई है भारत को तोड़ने के लिए भारत को खंड खंड करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस बुक का नाम जो आपने रखा है कि द स्नेक्स इन द गंगा दूसरी वाली हाँ स्नेक्स इन द गंगा जो आपने बुक का नाम रखा है गंगा में सांप कौन से वाले सांपों की आप बात ये बात बताएंगे जी। बहुत बढ़िया बात है <laughs> पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम बातचीत अभी कर रहे थे हाँ जी। मैं क्योंकि अमेरिका में हूँ हाँ तो उसका हमने फायदा उठाया जी ये क्योंकि ये काम जो हमने ऐसे किया जो भारत बैठकर नहीं हो सकता हाँ। क्योंकि एक तो आपको दूसरे जो लोग हैं उनकी समझ आनी चाहिए बिल्कुल कि हम और दूसरा हम जब वहाँ थे हम बॉस थे हम कंपनीज थी तो हजारों गोरे लोग हमारे पर हमारे नीचे तो काम करते कर तो हम उनको हायर भी कर सकते थे फायर भी कर सकते थे निकाल भी कर सकते थे अपना कोई ऐसे वैसे करे उसको निकाल देते क्योंकि हमारे में ये ताकत है ये मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये लोग हमारे से सुपीरियर नहीं है जो लोग बॉस है यदि मैं बॉस हूँ और हजारों गोरे अमेरिकन लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं तो मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इनको हायर भी करता हूँ फायर भी करता हूँ ठीक नहीं करता बदतमीज है उसको निकाल भी देता हूँ हमको ये क्षत्रियता हमारे मदर ने बचपन से सीखा है कि किसी का ऐसे ऊट पटांग बात को समझना के लिए नहीं मतलब कोई डोंट टॉलरेट टॉलरेट मत करो जो ऐसे होता है उसको बता दो तो कुछ हम पंजाबी क्षेत्रियों में ऐसे होता ही होता है ना कि कोई बोले तो हम उसको बता देते हैं तो ऐसे हम अमेरिकन को ट्रीट करें बचपन से जहां भी तो इसीलिए हमको वहां रहने का फायदा ये हुआ कि एक तो हम उनको अच्छी तरह से समझते हैं हम उनसे बहस भी कर सकते हैं हाँ।, हाँ और उनको ऐसे लोग इंडियन बहुत कम मिले हैं हाँ। जो उनके साथ सीधा खड़े होकर बहस भी कर सकते हैं सीधे सीधा बात से और मतलब कोई गाली नहीं रहते हाँ। अपने फैक्ट है हाँ। अपने थ्योरी है लॉजिक है जितना भी हमने इतिहास के बारे में पढ़ा है वो हम उनको सिखा सकते हैं और हमको उनके क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बारे में हमको उनसे ज्यादा मालूम है क्योंकि है। हमने पढ़ लिखा है yes. उनकी अमेरिकन हिस्ट्री 99 परसेंट जो अमेरिकन हैं उनको इतनी हिस्ट्री नहीं आती जितनी हमको आती उनके कंट्री के बारे में yes. और क्योंकि हमने वहां अब 52 इयर्स हो गए बाबन साहब जी ज्यादातर अमेरिकन बीस पच्चीस तीस साल के ही है तो हम उनको ये कहते हैं कि हम अमेरिका में ज्यादा रह चुके हैं तुम्हारे से बिल्कुल हाँ तो वो भी कहते हैं अच्छा हाँ ठीक बात है हम कहते हैं देखो हमने जितनी साल नौकरी की जितने हजारों लोगों के ऊपर हमने हम बॉस थे मैनेजर थे और जितने हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स दिए तुम्हारे इस कंट्री में तो ये तो नाइनटी अमेरिकन नहीं कर पाते बिल्कुल ठीक है ना तो हम वहाँ ठीक तरह से हम बैठे हैं और हमको अमेरिकन अमेरिका के ऊपर हक बहुत है बिल्कुल क्योंकि हम वहां पर वहां के बैठकर हमने काफी काम किया उनके लिए उनके लिए टेक्नोलॉजी में काम किया उनके लिए सारी वर्ल्ड में काफी बिजनेसेस सिखवाए हैं काफी एम्प्लॉयमेंट दिए उनको काफी टैक्सेस दिए तो इसलिए हम डर कर बैठे हैं हमको कोई डरने की बात नहीं तो ये बात बहुत है क्योंकि 99 जो इंडियंस नहीं नहीं तो लेकिन उनमें फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है नहीं उनमें है। उतना ज्ञान नहीं है तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये नई बुक क्यों निकली जैसे पहली बुक पुस्तक निकली थी वो भी रिसर्च करके पैसा इंडिया में आ रहा है कौन दे रहा है कहाँ से आ रहा है उनका क्या विचार है क्या क्यों कर रहे हैं क्या है इसी खोज में हमने ये नहीं निकाली नहीं। अब वो जो पहली पुस्तक थी वो दस साल पुरानी दस ग्यारह साल पुरानी होगी हाँ। हो अब इस इतने सालों में जो बाकी लोग हैं वो आगे काफी बढ़ चुके हैं एक तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे है अच्छा और अब ये ऐसा कर रहे हैं अब ये नया जो प्रॉब्लम है वो गरीबों के टारगेट नहीं कर रहा नहीं। पहला प्रॉब्लम था कि जो गरीब लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि क्रिश्चियन बन जाओ हाँ। या ड्रविडियन कह रहे हैं नहीं। नहीं। उनको आर्यन ड्रविडियन का डिवाइड कर रही है। अब ये जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है ये लेटेस्ट प्रॉब्लम जो टॉप लोग इलीट लोग हैं जो अशोका यूनिवर्सिटी में बच्चों भेजते हैं क्रिया यूनिवर्सिटी में भेजते हैं अजीम प्रेम जी की फाउंडेशन है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस में है इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इलीट लोग आते हैं और जो आई के लोग हैं अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं जो कॉरपोरेट लोग है, है, हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हैं वो से से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सीख के आते तो ये जो नया काम हो रहा है ये इस लेवल पर हो रहा लेवल पर हो रहा रहा है है ये टॉप लेवल लेवल पर पर निचली नहीं हो रहा तो निचली लेवल पर जो काम हो रहा है वो तो चल ही जा रहा है वो तो पहले का चल रहा है अब ये एफ को बचाने के लिए एनजीओ नहीं एनजीओ को पैसा नहीं दे रहे इसमें जो लिखा है ये ये एफडीआई फॉरन इन्वेस्टमेंट भेज रहे हैं फॉरन इन्वेस्टमेंट भेज भेजे जो इंडिया कहती है बिल्कुल तो हाँ, ठीक है ये तो हमारे यहाँ बड़ा प्रेस होता है इसके लिए होता है।, है अब कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हमने इसमें एक निकाला ओमिदियार ओमिदियार एक अमेरिकन है, है, है जो 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा उसकी वैल्यू है उसकी पर्सनल एसेट जो जॉर्ज सोलर से पांच गुना ज्यादा अमीर है और उसकी हाफ एज है तो इसका मतलब जॉर्ज सोरस तो 80s में है तो ये उसकी कम एज है तो ये बहुत ही खतरनाक लोग ज्यादा खतरनाक ज्यादा खतरनाक सांप नहीं है तो मगरमच्छ है तो ये लोग इंडिया में आके इन्होंने 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स में अच्छा। साउथ में तो उन्होंने 3-400 छोटी-छोटी वेंचर्स शुरू किए उनका काम उनका काम यह है कि अब अमेरिकन विचार सोशल जस्टिस जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं उनके साथ जुड़कर वो टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं इसका मतलब वो ये कह सकते हैं कि हम तो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और ये भी कह सकते हम विलेज में गाँव में जाके डिजिटाइज करेंगे डिजिटाइज करेंगे करेंगे भी लेकिन डिजिटाइज करने का तरीका उनका विचार ये है उनका मोटिव गोल उनका ये है कि उनको इंडिया से अलग करके सोशल जस्टिस के नाते उनको थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट विरुद्ध करें हिंदू फोबिया उनको बनाए बनाए और ये बहुत सटल तरीके से कर रहे हैं हिंदू नहीं कहते कभी ये कहते हैं सोशल जस्टिस सोशल री इंजीनियरिंग का हाँ। ब्रेन वॉश करना ब्रेन वॉश आपको सोशल जस्टिस ला रहे हैं जैसे कि हमारे हमारे को सोशल जस्टिस के बारे में पता ना हो वो हमको सोशल जस्टिस सिखाएंगे आप वहां अमेरिका में बैठे हैं 20 बिलियन डॉलर आपके पास हैं और हमको आप सोशल जस्टिस सिखा रहे दें ये बात करें और ये जो इंसान है उम्मीद यार ये फ्रेंच फ्रांस में बहुत ईरानियन लोग हैं ईरान के तो इनके पेरेंट्स वही थे ईरान के लोग ये ईरानियन बैकग्राउंड के फ्रांस में पढ़े लिखे फ्रांस में पैदा हुए अमेरिका में रहते हैं ठीक है मतलब उनके पेरेंट्स तो फिर ऐसी उनकी बैकग्राउंड है तो उनको यदि सोशल जस्टिस सिखानी है तो ईरान में जाके करो, अभी देखो ईरान जा, क्या, क्या, जा, में जाके करो, हाँ हा, तो जैसे हम एनआरआई इंडिया के हैं वो ईरान के हैं समझो हा, और बाई रिलीजन क्या है ने? बाई रिलीजन उनका कोई सेकुलर सेकुलर है secular, कहने के लिए मतलब से, आ, है मतलब तो मानते हैं चलो जो भी इन नहीं। नहीं। पर उनकी जो आइडियोलॉजी है उनकी आइडियोलॉजी इंडिया में आकर पांच सौ मिलियन डॉलर देकर उन्होंने डेढ़ सौ दो सौ वेंचर शुरू किए स्टार्टअप किए जो टेक्नोलॉजी में अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके लिए डेटा चाहिए होता है डेटा से वो मशीन सीखती है तो ये डेटा सारे कलेक्ट कर लें कि कौन पिछड़ी जाति कौन आ, जाती है आ, किसका क्या है किसका प्रॉब्लम क्या है कौन किससे लड़ रहा है किसके घर को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है लीगल प्रॉब्लम क्या है पोलिटिकल प्रॉब्लम है ये सारा डेटावेस बना रही है और और ये जो जो उनके वेंचर्स हैं छोटे मोटे वेंचर्स हैं खूब सारे वो वेंचर्स अब जो एमएसएमईज़ हैं जो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कंपीट करेंगी क्योंकि उनके पास नया टेक्नोलॉजी है और वो नए टेक्नोलॉजी से बाकी लोगों को खत्म कर देंगे खत्म कर देंगे लेकिन जब खत्म करेंगी उनमें पावर आएगी और वो हम उनके मन से उनके मन की जो विचार है उनसे जुड़े हुए बिल्कुल। मतलब एक एक अपनी तरह से एक नया की सिस्टम शुरू करें जैसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई थी यानी कि कहने का है कि आप डाल डाल हो तो मैं पात पात हूँ आपने एफ सी आर ए देख लिया हम एफडीआई ले आएंगे हाँ। और उसके हिसाब से अपने आपको वा, इस वातानुकूल बना करके हम जो ब्रेकिंग इंडिया का काम है वो बदस्तूर जारी रखें ये अलग चीज बात यही yes, बात है अच्छा अब ये दूसरी बात कहना चाहते हैं कि हार्वर्ड का इसमें बहुत विचार है बहुत आ, बहुत नाम है क्योंकि हार्वर्ड इतनी मशहूर है हार्वर्ड के अगेंस्ट किसी ने कभी लिखा ही नहीं yes. तो इसका मतलब उनको तो लगता है कि हम जो कुछ भी करें hmm. इतनी एरोगेंस है उनमें तो जो कुछ भी हम करें हमारे लोग सारी दुनिया में बैठे हैं hmm. कितने वर्ल्ड के लीडर्स हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं कितने इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे अपने हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं और कितने आई ऑफिसर भी वहां भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए कितने एकेडमिक वर्ल्ड में स्कॉलर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज में वो या तो हार्वर्ड से आए या जिन जिन लोगों से पढ़े हुए हैं वो हार्वर्ड से आए हैं जिनको आपने बोला भी है कि विश्वगुरु मॉन्स्टर तो ये हार्वर्ड विश्वगुरु हमने बना दिया जी हम अपने आपको विश्व गुरु कहते हैं पर उनको ऐसे चढ़ा कर रखा है कि जैसे कि वो ही विश्व गुरु है अब वो इंडिया के बारे में जो हिस्ट्री सिखाती है फिलासफी क्या है सोशल जस्टिस में क्या है लेडीज को औरतों को क्या हो रहा है सब कुछ एरिया जो है हार्वर्ड तैयार करके फैला दिए जिसको हम जहर कर गर्भ इन मॉन्स्टर्स का एक गर्भ जो है वो हिंदुत्व को ब्रेक डाउन किया जाए डिसमेंटल किया जाए ये है कि, हिं, कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के विरुद्ध क्या हो रहा है इंडिया इंडिया डेमोक्रेसी भी नहीं ठीक रही उनके मुताबिक ये सारा कुछ कहां से पैदा हो रहा है अब देखिए अब जयशंकर जी बहुत जवाब देते हैं आज लेकिन वो है जैसे फायर फायरिंग होते हैं क्या कहते हैं हिंदी में जो जिससे आग बुझती अग्निशामक यंत्र हाँ, वो वो लेकर यहाँ पर आग लगी तो वहां लगाते हैं यहाँ पर आग लगी तो यहाँ लगाते हैं हर हफ्ते है। कोई ना कहीं आग कोई लगती है हमारा काम यह है उनको बताना कि ये कहा से शुरू हो रही है कौन शुरू कर रहा है ताकि हम जो उसका जड़ है जड़ पर जड़ पर जाना चाहिए यदि आप किसी एक एक समझो आपके पास पेड़ है वो पेड़ में जहरीले निकल रही है फल निकल रहे हैं तो यहां से जहर निकली यहाँ से जहर निकली आप एक के एक को बंद करोगे दूसरे को कर दोगे उससे पेड़ और बनाता जाएगा बिल्कुल तो जब तक आपको ये ना मालूम है ये पेड़ कहाँ है और उसका जो जड़ है वो उसमें कै, कैसे ये चीज पैदा होती है तब तक आप उसको उसका सम, सम, आ गया उसको सब नाश नहीं कर सकते उसको नाश नहीं कर सकते हुँ। हुँ। तो इसलिए हमने हार्वर्ड पर ये इसलिए रिसर्च की है सारी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं थिंक टैंक्स हैं जो हिंदू फोबिया फैलाती हैं ब्रेकिंग इंडिया फैलाती हैं उनमें से हार्वर्ड है नंबर वन और हार्वर्ड में इतनी ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं कोई कोई है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट कोई है साउथ एशिया इंस्टीट्यूट कोई है बिजनेस स्कूल कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जहां पर सारी पॉलिटिकल थॉट और गवर्नमेंट को कैसे चलाना है वो सारी वर्ल्ड को वहां से सिखाते हैं ये सब कुछ सब में एंटी इंडिया लगा हुआ है एक तो ये हमने देखा दूसरा हमने देखा उसमें काफी सारे इंडियन ही स्टूडेंट्स बैठे हैं इंडियन ही प्रोफेसर बैठे हैं अच्छा इंडियन प्रोफेसर बैठे हैं और इंडियन प्रोफेसर ये रिसर्च करवा रहे हैं और वहां से ग्रांट दिए जाते हैं हर हर साल होती हैं बहुत सारी इंडिया के ऊपर और उन कॉन्फ्रेंसिस में ज्यादातर तो एंटी इंडिया लोग बुलाए जाते हैं कुछ अच्छे भी बुलाए जाते हैं पर ज्यादातर नेगेटिव लोग बुलाए जाते हैं ये हमने देखा तो इसके ऊपर काफी काफ़ी हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये हार्वर्ड से निकल रहा है तो इसी को हम कहते हैं कि ये सांप है ये सांप है गंगा में हम सोचते हैं कि सांप नहीं होगा नहीं। मैं जब नहा नहाता हूं तो मैं तो सोचता हूँ कोई डर नहीं होता कि कोई यहां पे सांप ही बैठे होंगे लेकिन हम लोगों को कहना चाहते हैं कि छुपे हुए चुपे। सांप हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे ये बात है और फिर एक और चीज हमने ढूंढी कि इंडिया के जो बिलियनर्स हैं उनमें ये आनंद महिंद्रा उन्होंने हार्वर्ड को कितने मिलियन डॉलर देकर अपना से अपने नाम पर एक सेंटर खोल रखा है वो सेंटर में ऐसा काम भी होता है एक अजय अजय पीरामल 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 जी पी, अजे, प्रामल अजे प्रामल प्रामल जी हैं 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 के हम मिल चुके हैं दो तीन बार बहुत अच्छे इंसान लेकिन उनके नाम पर जो उन्होंने पैसा दिया ऐसा काम हो रहा है अब एक लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट एट हार्वर्ड लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली मतलब उनके परिवार परिवार का साउथ एशिया इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है हार्वर्ड में जिसमें साउथ कॉन्फ्रेंसिज होती हैं इस तरह की बातें होती हैं तो अब हम पुस्तक इसलिए निकाल रहे हैं हम उनको कहना चाहते हैं कि एक तरह का ऑडिट है जैसे आप अंडस्टैंड यंग को बुलाते हैं या डिलोयट वगैरह किसी को बुलाते हैं वो आपका ऑडिट करते हैं बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो कहते हैं आपके फैक्ट्री में कुछ का, काम ठीक नहीं है नहीं, आपके फा, 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 फाइनेंशियल में काम ठीक नहीं है ताकि वो ठीक कर ले तो इसी तरह से जो आपके नाम पर आपने फंडिंग दी है तो उसमें भी कुछ गलत चीजें हो रही है जी जी हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हम ये नहीं कह रहे कि आनंद महिंदा बुरा आदमी है वो अच्छा आदमी है लेकिन उनके नाम पर जो चीजें उन्होंने फंडिंग दी है उनमें कुछ प्रॉब्लम है जी। तो ये हम बताना चाहते हैं एक तरह का ऑडिट समझे मैंने मैं वही पूछने वाला था एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि आपने इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन का नाम लिया है तो उनके विषय में जो भी चीजें हैं क्योंकि एक फेज होता है पॉजिटिव जो हम जानते हैं

में जहर फैला रहा जी तो श्री कृष्णा को आ, आना पड़ा आना उसको ठीक करने के लिए हाँ, तो इसी तरह से बैठे हुए ये आ, तो कोई आ, आप सिर्फ यह चेताने का कार्य कर रहे हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे नाग है उस समय पर यमुना जी में एक कालिया नाग था हाँ। लेकिन आज की तारीख में असंख्य नाग इस हाँ। प्रकार के फैले हुए हैं मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लेकिन जागरूकता बढ़ रही है लेकिन हिंदुओं पर आक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं इनका कारण क्या है कोई बौखलाहट है या इनका एक नियमबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से ये प्रहार करने का तरीका है अभी आपने देखा दिल्ली में दंगे हुए हैं भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर इन सब में फॉरन हैंड है जरूर है जी अब ये क्यों है अच्छा ये बात इसके कई कारण है एक तो कारण ये है कि अब इंडिया चाइना से आगे बढ़ जाएगा तो ये लोगों को भी डर है वेस्टर्न लोगों को भी देखो एक चाइना काफी मुश्किल से हम उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं अब ये इंडिया भी बढ़ गया तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो इंडिया को इंडिया से दोस्ती भी रखो क्योंकि दोस्ती भी चाहिए इंडिया से हमको फायदा भी हो सकता है लेकिन उन पर थोड़ा ध्यान भी रखो उनके ऊपर ऐसे रखो कि ज्यादा ना आगे चले कुछ तक तो हद तक तो चले जाए क्योंकि इंडिया के साथ दोस्ती है तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल कर, कर सकते लेकिन यदि बहुत ही आगे बढ़ गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो इनको मतलब ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ना नीचे गिरने भी नहीं देना इनको संभाल के रखना तो थोड़ा सा थोड़ा सा उनके साथ हेल्प भी करो पर थोड़ा सा ध्यान भी रखो एक तो ये बात है दूसरी बात यह है कि जो हमारे अपने लोग हैं वो बिके हुए जी हमारे लोग बिके हुए ये अमेरिकन का आ, उनकी गलती नहीं है हमारी गलती है हमारे काफी दलित भाई हम उनको कहते हैं कि अरे भैया आपके को जो प्रॉब्लम है इंडिया में बैठकर इंडिया में लॉ भी है इंडिया में डेमोक्रेसी भी है इंडिया में मीडिया भी है इंडिया में बातचीत करके संभाल सकते हैं सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं हार्वर्ड ऐसे लोगों को पालते हैं ऐसे सांपों को पाल रखा है बहुत सारे सांप ऐसे जो एंटी इंडिया माइनॉरिटीज के लिए या दलित के लिए या विलीज फेमिनिस्ट हैं या एल जी बी टी क्यू के लिए किसी ना किसी बहाने जिसको भी इंडिया से प्रॉब्लम है वो वहां पहुंच जाता है और वहां पर उनके लिए काफी खाने पीने का और उनका इंतजाम लगा रहता है क्योंकि वो लोग इस्तेमाल यूजफुल उनको हम यूजफुल इडियट्स कहते हैं मतलब बेवाकूफ़ लोग हो जो जिनका वो लोग फायदा उठा रहे हैं आपको कुछ मिलेगा नहीं मे बी दो चार लोग काफी पल जाएंगे लेकिन जो उनके उनका समाज है उनकी सोसाइटी है जो उनकी जातियां जैसे भी हैं उनको कुछ फायदा नहीं होगा नहीं। तो ये क्योंकि देखिए जहां पर भी अमेरिका ने जाके अटैक किया है कि हम ईरान ईरान को इराक को अफगानिस्तान को वियतनाम को कहां कहां जाके हम उनको ठीक करेंगे उनको डेमोक्रेसी लाएंगे अभी आप देखें कोई किसी का फायदा नहीं हुआ वहां पर सिर्फ उनका बिल्कुल प्रॉब्लम ही हुआ, हुआ। लेकिन काफी एक दो परसेंट जो टॉप लोग हैं अफगानिस्तान के उनको बहुत पैसा मिल गया है जो इसी तरह के इराकी लोग हैं वियतनामी से वो तो अमेरिका में बैठे उनको तो मौज कर ले इसी तरह से एक इंडिया में जो टॉप लेयर है दलित की या जो मुस्लिम सेपरेटिस्ट है इन लोगों की खालिस्तानी लोगों की इनका तो फायदा होगा ये तो लोग वहां बैठे हैं कैनेडा में भी बैठे हैं खालिस्तानी हार्वर्ड में भी बैठे हैं हार्वर्ड में कई कश्मीर सेपरेटिस्ट बैठे हैं इस तरह के लोग बैठे हैं तो इंडियन का भी प्रॉब्लम है और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर निगाह नहीं रखी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए इनके बात इनके बारे में कुछ नहीं किया मैं जब इंडियन एम्बेसी में जाके कहता हूँ मेरे को इंडियन एम्बेसी में अभी तक इसकी परमिशन नहीं मिले कि हम इसके बारे में बात करें अच्छा हाँ प्राइवेटली हमको वो, वो अब कल हमारी मीटिंग जो रिटायर्ड आई एस आई एफ एस लोग हमको दिल्ली में मिलते हैं प्राइवेटली हमको कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा काम आप जो कर रहे हैं हम नहीं कर पाते नहीं। लेकिन हम कहते हैं अच्छा पब्लिकली बोलो तो वो नहीं।, नहीं बोलना चाहते ऐसी बात भी है अच्छा इसमें एक और भी चीज हो सकती है जैसे कि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि ईरान और इराक में कोई बहुत ज्यादा उस टाइम पे डिस्प्यूट्स नहीं थे लेकिन दोनों की सीमाओं के बीच में जो नो मैंस लैंड था उसको लेकर के दोनों देशों को पहले बिढ़ाया गया फिर अमेरिका ने उनके ऊपर आक्रमण किया क्या यही योजना चल रही है कि भारत वर्ष में पहले एक बहुसंख्यक समाज को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि ग्रह युद्ध छिड़वाया जाए बिल्कुल युद्ध के नाम पर फिर यहाँ अमेरिका मिसाइल्स दागे और फिर इसकी हालात जो है वो अफगानिस्तान और इराक जैसी कर दे बिल्कुल अब देखिए वहाँ से बटन दबाकर यहाँ कुछ काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं अब जैसे उम्मीदवार उम्मीदवार नेटवर्क जिसके बारे में हमने बोला उनके पास इतनी नॉलेज है उनके पास ये भी पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम कैसे खिला पिला कर उनके अगले हाँ। करा सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उनको में नॉलेज बहुत है आज का नॉलेज ये बहुत डेंजरस इसलिए क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नॉलेज आ जाती है और ये मशीनों के साथ बहुत कुछ मन लोग का जो मन है साइकोलॉजी है इमोशन है वो बदल सकता है भड़का सकती हैं yes. आप लोगों को कह सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी आपकी जाति जो है खतरे में।, में है खतरे में है आप उनको उनके अगेंस्ट लड़ाई करो हम फायदा हम, हाँ। हम आपको हेल्प करेंगे हम आपको आइडियाज देंगे ज्ञान देंगे लीगल सपोर्ट देंगे मीडिया सपोर्ट देंगे आप करो ऐसे लोग ऐसी ये आजकल का जमाना ऐसा जमाना है तो सीधी सी बात हुई कि इधर तो हमेशा सोच रहे हैं केमेस्टी को खत्म कर दिया लेकिन ये तो उससे भी बड़ी चीज आ रही है हम सोच रहे हैं कि जोर सोरोस को साइड कर दिया लेकिन उससे भी कई गुना संपत्ति वाला और उससे कम आयु वाला यानी कि जो अगले चालीस साल और ज्यादा जहर फैला सकता है वो व्यक्ति तैयार हो गया तो वही चीज हुई तो हमें आ, रूट पर कार्य करने के लिए देखिए सरकारें और मिनिस्ट्रीज जो करती रहे करती रहे लेकिन हम युवाओं को क्या कह सकते हैं क्योंकि हमारी एक्सेस युवाओं तक है तो युवाओं को हम क्या कह सकते हैं युवाओं को हम क्या संदेश दे सकते हैं किस प्रकार से वो इस देश को टूटने से बचा सकते हैं तो देखिए एक तो यहाँ पर जिस जो अमेरिका में जिसको कहते हैं लिबरल हाँ जी। लिबरल आर्ट्स आर्ट्स है जो ये इन चीजों में लगा हुआ है वो हार्वर्ड में पैदा हुआ है लिबरल आर्ट्स और सारी दुनिया में फैल गया है अब यहाँ इंडिया इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी उसमें वो लिबरल आर्ट्स इंडिया में लाना चाहते हैं ये गलती है क्योंकि क्योंकि यहाँ जो लिबरल आर्ट्स है वो वैदिक से वैदिक लिबरल आर्ट्स होना चाहिए हार्वर्ड लिबरल आर्ट्स नहीं होना चाहिए हाँ जो सोशल जस्टिस हमारे 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 सिस्टम में है अर्थ अर्थशास्त्र में है धर्मशास्त्र में है महाभारत में है हमारे शा, बाकी शास्त्र में है स्मृतियों में है सब स्मृति श्रुति दौड़ में है ये चीज़ हमको पढ़ के इसके बारे में इससे ही लिबरल आर्ट्स हमारे हिंदू विचार और वैदिक विचार के साथ जुड़ी हुई लिबरल आर्ट्स निकालनी चाहिए वो तो निकाले ही नहीं वहाँ पर सारा कुछ लिखा है लेकिन हमने उसको निकाल कर सिलेबस नहीं बनाया टेक्स्ट बुक्स नहीं डाली ये नहीं किया हमने तो जो जब हम कहते हैं लिबरल आर्ट्स आईआईटी में ले आओ आईएम में ले आओ सब जगह ले आओ वो तो अमेरिकन लिबरल आर्ट ले आते हैं जी एक तो ये बहुत ही ये प्रॉब्लम और बढ़ी जा रहा है एक तो हम को, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक इंडियन लिबरल आर्ट्स इंडियन इंडियन इंडिया से जुड़े हुए लिबरल आर्ट्स की यूनिवर्सिटी शुरू होनी चाहिए यदि कोई शुरू कर दे हम उसमें पूरा हंड्रेड परसेंट लग जाएंगे जी हमको कोई नौकरी नहीं चाहिए हम उसका कोई वाइस चांसलर नहीं बनना चाहते हमको कोई पोजीशन नहीं चाहिए पर हम एडवाइजर की तरह उनको हम गाइड कर सकते हैं हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे लिबरल आर्ट्स इंडिया में चले एक तो बाकी कंट्रीज की जो के उसको क्रिटिसाइज कैसे करना है yes. उसके ऊपर पूर्व पक्ष कैसे करना है ताकि हम बचे रहे और दूसरा अपनी तरफ से क्या आर्ट्स हमारा होना चाहिए ये हम शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए जो कुछ भी हमको मिले कोई कोई यदि शुरू करे तो हम आ, आने में तैयार हैं एक तो यह है करने है दूसरा यह है कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के बिलियनियर्स हैं जो यहाँ से ही कमाते हैं पैसा ये ये इतने अमीर इसीलिए हैं क्योंकि हम ही उनका सामान खरीदते हैं बिल्कुल हाँ तो इनको इनके उप, इनके उप डिस्कशन करना चाहिए कि देखिए भाई आप अच्छे लोग हैं हम ये तो नहीं इसका कोई कोई डाउट नहीं है लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं इससे आपको क्या फायदा होता है दिन। और यहाँ पर आप देश की सेवा कर रहे हैं आपको पद्म भूषण मिल रहे हैं विभूषण मिल रहे हैं सब मिल रहे हैं और वहां जाके आप क्या क्या कह रहे हैं तो ये आपको ऑडिट करना चाहिए तो ये हम चाहते हैं ये दो चीजें हैं एक तो लिबरल आर्ट्स इंडिया में होने चाहिए अपने दूसरा है कि बिलियनियस को कहना चाहिए कि ये काम आप बंद यानी कि युवाओं के लिए संदेश यह है कि जो सोशल जस्टिस की बात करके भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं एक चीज के उनके जो छुपे हुए उद्देश्य है उनको हम समझें जी और अपने जो वैदिक संस्कृति का जो अपना मानवता को लेकर के बहुत संदेश है और मैं मनुस्मृति क्योंकि मैंने सोम स्वाध्याय किया और पढ़ाया भी है तो उसमें स्पष्ट आता है कि यदि कोई निम्न जो तबके का व्यक्ति है अगर उसने वही गलती की है तो उसको केवल पण दंड दिया जाए लेकिन जो उच्च श्रेणी का है यानी कि ब्राह्मण यदि है वह भी वही गलती करता है तो उसको पण दिया जाना चाहिए दंड रीजन यह है कि वह तो अनपढ़ हो सकता है वो तो गरीब हो सकता है लेकिन जो विद्वान है उसने भी वही गलती की है तो उसको सौ गुना मिलना चाहिए तो यहां पर यदि हम सोशल जस्टिस की बात करें मानवता की बात करें तो जो भारतीय वैदिक संस्कृति का जो सोशल जस्टिस है वो कहीं विश्व में आपको मिलेगा ही नहीं और इसकी पूरी व्यवस्था राजा ही करता है आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि दशकों तक तो यहां पर इस सोशल जस्टिस पर कार्य ही नहीं हुआ है और ये मैं मानता हूं कि जिसको हम दलित समाज कहते हैं या पिछड़ा समाज जो कहते हैं उनके साथ में सोशल जस्टिस सरकारों की तरफ से नहीं हुआ था नहीं। उनको कुछ रेवड़ियां दी गई उनसे वोट लिया गया राज्य से सत्ता पाई गई और फिर ऐश की गई है तो युवाओं के लिए मैंने जो आपकी बुक्स पढ़ी हैं उनमें जो स्पष्ट संदेश रहता है कि हमें वह जो भेदभाव या ऊंच नीच का भाव मन में न रख करके एक भारत माता की संतान सब हैं और बराबरी के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए उसी संदेश को मैं भी अपने युवा साथियों को देना चाहूंगा कि भारत को यदि हमें टूटने से बचाना है तो एक माँ भारती की संतान इसमें कोई भी ऊंचा नीचा या गैर बराबरी नहीं होती है यदि भारत को आगे बढ़ाना है आगे लेकर के चलना है तो हमें इसी संदेश और इसी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ना होगा आ, राजीव जी आपने बहुत सारी चीजें कही हैं मैं अंत में यही चाहूंगा कि आप बुक के विषय में कि हमारे युवा इसको क्योंकि अगर कोई भी रिसर्च बेस्ड है व्यक्ति तो आपकी बुक्स जरूर पढ़ते हैं मैंने जब कम्युनिज्म के विषय में जानना चाहा जब मैंने ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के बारे में जानना चाहा तो सबसे पहली बुक आपकी ही आई थी और यह हर्ष का विषय है कि उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने ब्रेकिंग इंडिया अनब्रेकिंग इंडिया करके बहुत सारी जैसे बुक्स आई हैं और इस सब्जेक्ट को कंसिडर किया गया आपके बाद में ग्यारह साल हो गए हैं पहली पुस्तक को तो रिसर्च में हम युवाओं को क्या क्या दे सकते हैं इस बुक के माध्यम से तो इस बुक के माध्यम से हम उनको कह सकते हैं कि इस 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 बुक में जी। कम से कम इससे पचास पीएचडी निकल सकती है इसमें इतना कुछ है हाँ। इसमें सोलह सो रेफरेंसेज हाँ? और सौ पेज की है, जितना कुछ है इसमें और देखिए जब भी हम किसी का किसी के बारे में बोलते हैं कि उसने ये कहा वो कहा तो उसका रेफरेंस देते हैं बिल्कुल हमको ये भी डर है कि वो शायद मिटा देंगे तो इसलिए हमने कॉपी करके क्लाउड में रख लिया हमारे हमारे डेटाबेस में जो कुछ भी हमने कोट किया उसकी है उसकी कॉपी है जो वीडियो कोट किए तो वीडियो वीडियो भी रखा ताकि हम जब यदि कोई कहे मैंने नहीं बोला हम दिखा सकते प्रूव कर सकते तो ये हमने बहुत रिसर्च रखा है इस पर काफी लोग पीएचडी कर सकते हैं आर्टिकल्स लिख सकते हैं जिनको शौक है वो हमको कांटेक्ट करें तो हम चाहते हैं कि हम भी ट्रेन करें लोगों को वर्कशॉप करें अब मैं फेब्रवरी में दोबारा आ रहा हूँ फेबर तीन चार महीनों के बाद दोबारा आ रहा हूँ यदि कोई कहे कि हमको वर्कशॉप चाहिए मेरा ये अगला सवाल यही था यदि आप D. Yeah. स्वामी राम जी देव को सब समझो वो कहें कर कोई भी कहे कि आप ये शहर शहर आओ हम दो सौ चार सौ लोग इकट्ठे करेंगे और उनको इंग्लिश में हो हिंदी में हो जैसे भी हो वर्कशॉप दो वर्कशॉप दो और उनको पावर पॉइंट दो और उनको ट्रेन करो कि आगे जाके कैसे कर सके तो हम वो करने को तैयार हमको हंड्रेड परसेंट हमारा काम यही है हमारे पास सारा दिन सेवन डेज अ ट्वेंटी फोर आवर्स कुछ और करना नहीं है यही करना है हमको यही हमारा स्वधर्म है यही पहले का था यही रहेगा जब तक हम जीत जब तक हमारे में सांस है तो हमारा काम ही ये है तो फिर जिसको भी जो भी ऑर्गेनाइज कर दे यहाँ वहां भागने से टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास लेकिन कोई ऑर्गेनाइज कर दे कि हमको पास अच्छे लोग हैं ये सीखना चाहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं इनमें काफी कुछ दम है ये डेडिकेट करेंगे जैसे आप जैसे ये ये लोग और हम सौ दो सौ चार सौ लोगों को इकट्ठा करके आप हाँ। आपको इनवाइट करेंगे आप उनको वर्कशॉप दीजिए हम पूरी तरह कर सकें हम उनको ट्रेनिंग करेंगे हम उसको चैप्टर बाय चैप्टर जाके उनको सिखाएंगे जी। तो हम उसको अब ये इतनी बड़ी पुस्तक है क्योंकि रिसर्च के लिए बड़ी पुस्तक होनी चाहिए अब हम उसकी छोटी छोटी पुस्तकें निकालेंगे बहुत सुंदर सौ पेज डेढ़ पेज की किसी में होगा अब देखियो आई पर अटैक हुआ हार्वर्ड ने किया कि आई में रेसिज्म है आई में ये कास्टिज्म है ये आई के जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं इसीलिए आगे बढ़े क्योंकि वो ब्राह्मीण हैं ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें हाँ। बना रखी है हाँ। और ये चीजें बहुत पॉपुलर हो गई ये लोग क्योंकि हार्वर्ड सोशल मीडिया पर लगातार चलती ये हाँ? चलती चलती रहती रहती है इस बात हाँ। चलती है। और इसके ऊपर लीगल केस चलाए अमेरिका में सिलीकन वैली में केस चलाए अब वो जो अमेरिकन कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है वो उनमें जो एचआर डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहां पर ये कानून चेंज किए जा रहे हैं ताकि कोई भी कंप्लेन करे इंडियन के बारे में तो फिर वो इंडियन जो है उसको कोर्ट में जाकर डिफेंड करना पड़ेगा कि मैं रेसिस नहीं हूं ये, ये नहीं। बहुत सीरियस बात है बहुत अब ये जो प्रॉब्लम वहां चली है अब उन्हीं के जो ब्रांचेज इंडिया में हैं और उनकी जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं जिनसे वो काम करवाती है वहां भी ये चीजें लाएंगी सो so इंडिया में भी ये कानून चेंज होंगे टेक इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फार्मा इंडस्ट्री में जहां पर भी अमेरिकन और यूरोपियन से काफी काम हो रहा है ये चीजें आएंगी कि ये ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस का काम अब इंडियन इंडस्ट्री में आएगा yes. और इसमें काफी तोड़फोड़ होगी क्योंकि इसमें पोलिटिकल प्रॉब्लम भी होगा हो तो ये कई तरह से अब इंडिया को तोड़ने का एक इंडस्ट्री से भी शुरू हो रहा है ये नई चीज है इंडस्ट्री एफ ये जो इसको ई कहते हैं एनवायरमेंट सोशल जस्टिस गवर्नेंस ई ये सारे कॉर्पोरेट में फैशन बन गए कि हम ई आगे बढ़ेंगे लेकिन ई एस जी है क्या कौन फैसला करता है आड़ में क्या हो हो रहा रहा है है क्या हो, अंदर हो रहा है इसमें हम ये वर्कशॉप वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि बुक तो हमने भी पढ़ी थी लेकिन जब आप वर्कशॉप के लिए हमारे गुरुकुल आए थे उसके बाद प्रभावित होकर के मैं आपके सामने बैठा हुआ तो मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता अब देखिए उस वक्त स्वामी जी ने ऑर्गेनाइज किया तो हम गए तुरंत हाँ स्वामी जी कहा अच्छा शांतनु को भेजा गुप्ता शांतु को भेजा शांतनु वहां पर एक जूनियर काम ही कर तो वो हमारे साथ काफी जुड़ गए कि हम सीखना चाहते हैं आप ही से आप ही हमें तो हमने उनको हमने शांतनु पर काफी टाइम लगाया काफी उनके साथ बैठ बहुत उनको ट्रेनिंग दी हाँ तभी वो आगे ऐसे बढ़ सके ना तो हम चाहते हैं ऐसे हम हजारों शांत तैयार करेंगे जैसे आप हैं तो हमको जैसे स्वामी जी ने बुलाया था उस वक्त को भेजा कार में के जाके उनको दिल्ली से ले आओ तो हम चले गए तो इसी तरह से हमको कहीं भी जाना होगा फेब्रवरी में हम चले आएंगे लेकिन इंतजाम आपको करना, पड़े जी, जी, इंतजाम आपको करना पड़ेगा जी, जी, इंतजाम आपको करना पड़ेगा हम आके अच्छी तरह से वर्कशॉप करेंगे अच्छी तरह से वर्कशॉप करेंगे उनको हम मटेरियल देंगे उनको हम पावर पॉइंट स्लाइड देंगे उनको ट्रेनिंग देंगे उनको क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि वो इसको समझ सके डिटेल में इतनी मोटी बुक है क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है प्राइस इतने कम क्यों रखे हैं मेरे हिसाब से बहुत कम है देखिए हमने सब्सिडाइज किया जी ये अब, अब इसके पीछे भी एक कहानी है। रिसर्च बहुत है उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे मित्र भी है, है जी। तो उन्हीं से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वही पब्लिश कर रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कि ये दो हजार रुपए की बनेगी मुझे लग रहा था कम से दो हजार तो हमने उनको कहा हम नौ सौ से कम करने थे एट नाइन्टी कर दो हार्ड बाउंड पेपर बैग भी नहीं बड़े अच्छी पेपर है तो फिर हमने कहा कि इसको क्या इलाज है तो उन्होंने कहा आप सब्सिडाइज कर दो मतलब आप हर एक बुक का आप थोड़ा दे दो तो हम घाटे पर बेच रहे हैं मतलब हम तो हम तो चाह रहे हैं कि लोग पढ़े हाँ, हाँ, तो हम प्रॉफिट की बात नहीं हम आपने पैसा दे रहे हैं तो उसी कॉस्ट कम होगी फिर जब ये बुक आने जब इसका रिलीज करना था उसके करीब दो तीन महीने पहले वो उनकी कॉल आई कि ये तो बड़ी डेंजरस बुक है हमारे रेपुटेशन के लिए अच्छा। हमने कहा आपकी क्या होगा तो कहती बिकेगी तो बहुत हाँ। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नाराज हो जाएंगे तो हमारे व्यापार में प्रॉब्लम हो सकती है मे वो हमको ब्लैक लिस्ट करेंगे हमारे से हमारा हमारी पुस्तकें नहीं खरीदेंगे या कोई मीडिया वाले नाराज हो जाएंगे मतलब जो बहुत इलीट लोग स्टेब्लिश में जिनके हमने नाम दिए हाँ तो वो वो घबरा गए तो वो पब्लिशिंग हाउस ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया अच्छा ये ये बात बात लोगों को हमने हमने नहीं बताई तो फिर ढूंढा कि कौन मिलेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्लू वन इंक ये नए लोग हैं ये इनमें बहुत दम है ये कोई आइडियोलॉजी ये इनमें कोई डर नहीं था कि हम बिजनेसमैन को अपसेट कर देंगे तो नाराज हो जाएगा उनको वो भी हमारे जैसे हैं वो कह रहे हैं यंग लोग हैं वो कह चलो कोई देखी जाएगी अब ये उनकी बेस्ट सेलर है जी एक उन्होंने प्रिंट रन की वो खत्म हो गई तीन चार दिनों में बिक गई पहले फिर उन्होंने दूसरी प्रिंट रन की वो भी अब बिक गई है अब तीसरी प्रिंट रन होगी सो इसलिए ये इस पुस्तक की कहानी काफी है हमने पूरी तरह से समझाया हुए लोगों को कि ऐसी पुस्तक निकालने में भी दम चाहिए बहुत ज्यादा बहुत, बहुत दम, दम चाहिए क्योंकि कितने लोग हमको क्रिटिसाइज करें अभी कितने हमको थ्रेट्स आ रही है तो, आपने ये किया वो नहीं किया तो फिर ये तो ये तो तो ये क्षत्रियता में यही तो होता है ना आपको इस इन बातों को भी सामना करना पड़ा आप भी करते होंगे बिल्कुल हाँ, हाँ, मेरे भी थ्रेट्स क्या आती मतलब जान से मारने कई सारे हाँ, अटेम्प्ट भी हो चुके हैं और अभी भी ए में भी रिपोर्ट्स हैं और पी की भी रिपोर्ट्स के अनुसार है खैर वो बहुत अलग चीजें हैं मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं खुद अभी एक बुक सेलर की तरह ही हूँ और मेरा खुद का एक पोर्टल है सनातन हार्ट जहां पर हम सभी वैदिक पुस्तकें लोगों तक प्रोवाइड कराते हैं घर तक पहुंचाते हैं कब आ तो है। रही है अब देखिए अब हम हिंदी में डालना चाहते हैं पर हमको चाहिए, हम पे करेंगे पर हमको ट्रांसलेटर चाहिए अच्छे ट्रांसलेटर जो हमारे विचार से जुड़े हुए हों ताकि अच्छी तरह ट्रांसलेशन करें हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं और अगले साल हम हिंदी एडिशन निकालना चाहते हैं तो जो भी हमको हेल्प करना चाहे हमको कांटेक्ट कर दे हम, हम 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 नहीं ट्रांसलेट करना कर पाए हम आगे इंग्लिश में लिखी जाएंगे लेकिन जो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हाँ। है उनसे हम मिलकर पार्टनरशिप बना के हमको कुछ एक रुपया नहीं चाहिए हम उसमें कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए जो भी ट्रांसलेट करेगा वो बेच के बना सकते जो भी बनाए हमें पैसे का बात नहीं है लेकिन हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटी वाला ट्रांसलेटर जो आप कहना चाहते हैं एग्जैक्ट उस भाषा को वो प्रस्तुत कर सके वहां पर जी यही हम चाहते हैं आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला और पुस्तक के विषय में बहुत वृहद तरीके से बताया ये तो मेरे को बहुत आनंद हुआ आपसे मिलकर बहुत आनंद हुआ रीजन होता है कि फैमिली मेंबर से मिलना और वैसे मिलना बहुत अलग चीजें होती है और क्वेश्चंस मेरे वैसे ही रहते हैं कि जैसे हम एक फैमिली मेंबर में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं वैसा ही मेरा एक उद्देश्य भी रहता है और मैं सच बताऊं कि मेरे बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं आपको सामने से देख रहा हूं क्योंकि हम जब अपने गुरुकुल में पढ़ते थे आपके साथ में तो वो एक टाइम अलग होता था जब आप पूरे क्राउड को एकदम मतलब सब गुरुकुल के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होते थे यहाँ हम वन टू वन बैठ करके बात कर रहे हैं मेरी जिज्ञासाएं है, जितनी भी हैं मैं आपसे पूछ पा रहा हूँ तो वो चीज एक अलग होती है तो इसमें आनंद तो खैर आनंद मेरा ही आनंद है क्योंकि ऐसे लोगों को मिलकर भी हमारा हमको लगता है कि ये जो हमने जीवन में तीस साल इसमें लगाए तो उसका फायदा हो रहा है उसका फायदा तभी हो रहा है क्योंकि आप जैसे लोग हैं आ, मैं अपने सभी आ, साथियों से अपने सत्य सनातन परिवार के सभी बंधुओं से कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज कि आप बुक लें हिंदी वर्जन जो पढ़ना चाहते हैं अगले साल तक वेट करें और सबसे पहले इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करें लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि यह जो रिसर्च है मैंने पहले भी कहा था कि जब 11 साल पहले आ, राजीव जी की पहली पुस्तक आई थी उस समय पर भी लोग क्योंकि हम क्या है कि जमाने से बहुत पीछे चलते हैं राजीव जी की जो लेखनी है वो जमाने से 20 साल आगे चलती है उस समय पर भी बहुत सारे लोगों को चीजें समझ नहीं आई थी लेकिन वो आज पुस्तक दोबारा से बेस्ट सेलिंग हो रही है हिंदी की पुस्तक बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं क्योंकि ग्यारह साल पहले लिखा था लोग अब कैप्चर कर पा रहे हैं जो उन्होंने आज इस बुक में लिखा है यह है आपके आने वाले 10 से 20 साल के बाद का भविष्य अभी से बताती है आप भविष्यवाणी या हस्तरेखा पढ़वाने के लिए जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा लेकिन ये पुस्तक बताती है कि पूरे भारतवर्ष का भविष्य क्या होगा यहाँ की 140 करोड़ जनता का भविष्य क्या होगा इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक को आप खरीदें बहुत सिंपल इंग्लिश में मेरे जैसा हिंदी भाषी जिसने कभी इंग्लिश नहीं सीखी वो भी इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकता है इस पुस्तक को खरीदें इसको पढ़ें स्टडी करें अपने लोगों तक पहुंचाएं और सबसे पहले इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं राजीव जी आपका बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जै, जय हिंद वंदे मातरम